Good afternoon, all of you. I hope your preparation is going good and boost your preparation with me at Lakshmikanta Competitive Classes. So, in today's Insights Daily Quiz, we will analyze two MCQs. So, start karte. First question hai, consider the following statements. First statement is, the consumption of alcohol by pilots can be known by conducting pre-flight and post-flight breath analyzer test. So this statement is true. क्योंकि सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल ने एविएशन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अभी रिसेंटली गाइडलाइन इशू की हैं कि प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किए जाएंगे क्रू के टू डिटेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन पायलट्स. ठीक है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, वेन द ब्लड अल्कोहल लेवल्स आर जीरो इन द बॉडी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ हैंगओवर. तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर ब्लड में अल्कोहल लेवल जीरो भी है तब भी हैंगओवर का इफेक्ट रहता है. बिकॉज कॉन्जिनर्स यूजुअली टेक 15 टू 18 आवर्स टू गेट डिसिपेटेड एंड मे प्रोड्यूस इल इफेक्ट अप टू 36 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड. ठीक है. तो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड फॉल्स. नाउ कंसिडर द सेकेंड क्वेश्चन. चिल्लई कला इज द नेम गिवन टू 40 डे पीरियड ऑफ हार्श विंटर इन कौन सी स्टेट में, जो 40 डेज का हार्शेस्ट विंटर का टाइम है उसको चिल्लई कला नाम दिया गया है. सो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर वैली, क्योंकि कश्मीर जो है डीप फ्रीज एरिया में आता है और 40 डेज वहां पे बहुत ही ज्यादा हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर के होते हैं. लोकली उनको चिल्लई कला कहते हैं. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन में सीबीआई से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड द स्टेट. तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो सीबीआई को स्टेट के जो इनसाइड के क्राइम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने से रोक सके. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सीबीआई कैन प्रोब केसेस कंसर्निंग एनी ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीबीआई के पास ये पावर्स होती हैं कि वो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट की 7th शेड्यूल में लिस्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो उसके पास ये पावर्स हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है. ठीक है. एंड ये जो स्टेटमेंट दी है सीबीआई के रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, ये वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में दी है. ठीक है. बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल डजंट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द सीबीआई फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इनसाइड द स्टेट. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन नैनो ट्यूब्स होते क्या हैं? तो ये कार्बन नैनो ट्यूब जो है ये ट्यूब शेप के मटेरियल होते हैं जो कि कार्बन से बने होते हैं एंड इनका जो डायामीटर होता है ये इतने थिन होते हैं कि इनका डायामीटर नैनोमीटर में मेजर किया जाता है. ठीक है. नाउ कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट. कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव हैवियर स्ट्रेंथ देन स्टील बट ऑल्सो वे सिग्निफिकेंटली मोर. तो ये कार्बन नैनो ट्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील से ज्यादा होती है एंड इनफैक्ट ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं स्टील से. जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं ये 100 टाइम्स इनकी स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा होती है, लेकिन ये हैवी ज्यादा नहीं होते हैं. ये सिर्फ 1/6 एज हैवी होते हैं एज स्टील, मीन्स उससे हल्के होते हैं.
तो नैनो ट्यूब फाइबर जो होते हैं वो किसी भी मटेरियल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इनका वेट तो कम होता है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होती है एंड 100 times ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा है दे वे सिग्निफिकेंटली मोर, तो ऐसा नहीं होता है, इनकी सिर्फ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन वेट कम होता है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज रिसर्चर्स ने अभी थिन कार्बन नैनो ट्यूब डेवलप किए हैं, थिन कार्बन नैनो ट्यूब के टेक्सटाइल्स डेवलप किए हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल्स हैं दीज एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ये हाई कंडक्ट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एंड इनका जो लेवल ऑफ टफनेस होता है वो भी 50 times ज़्यादा होता है कॉपर से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको काफ़ी यूज किया जा रहा है नाउअडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ वीडियो सीम्स हेल्पफुल टू यू प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, एंड अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, नाउ कंसीडर द क्वेश्चन, आर्टिकल 356 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो इस आर्टिकल 356 में क्या है कि अगर किसी स्टेट में कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट उस स्टेट की जो पावर्स हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के अपने अंडर उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 356 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही सर्टिफाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि एवरी प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट के रूल की जो प्रोक्लेमेशन होती है वो दोनों जो हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होनी जरूरी है एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ये बेसिकली 2 महीने का टाइम होता है, 2 months का, 2 महीने में ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होनी चाहिए प्रोक्लेमेशन, तभी प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट में लग सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो गवर्नर की रिकमेंडेशन को माने या ना माने। प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर और नॉट, सो दिस इज फॉल्स एंड फर्स्ट वाली ट्रू है। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट या PCMA बिल 2021 सीक्स टू रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 18 से 21 कर दिए मैरिज की एज, मेकिंग इट द सेम एज द एज ऑफ मैरिज फॉर मैन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है All the religious communities in India have a codified personal law that deals with marriage, dissolution of marriage, guardianship, etc. So, ये statement false है क्योंकि Muslims का codified personal law India में नहीं है. They follow their Shariat application जो उनकी personal है, Shariat Application Act 1937. वो इन सब questions के लिए उनका apply होता है, codified law नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन ICCR से रिलेटेड है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड इन कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज एंड देयर पीपल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि
आईसीसीआर एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू कल्चरल रिलेशंस मेंटेन करती है दूसरी कंट्रीज के साथ। सेकंड यहाँ पे लिखा है इट वाज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये रॉन्ग है क्योंकि इसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फाउंड किया था 1950 में, एंड मौलाना अबुल कलाम वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने आईसीसीआर को फाउंड किया था। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स टू प्रमोट इंडियन कल्चर लाइक मेकिंग इट मैंडेटरी टू प्ले इंडियन म्यूजिक एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज इंडियन कल्चर को तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है लेकिन ऐसे कोई बाइंडिंग ऑर्डर्स नहीं देती। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिटर्न में ये लेटर तो दिया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फिर बाद में इंडियन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को रिटर्न में लेटर दिया और कहा कि इंडियन म्यूजिक चलाएं, लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग ऑर्डर और मैंडेटरी जैसा अभी कुछ नहीं है। गॉट इट? अब अपने इनसाइड डेली क्विज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फुल फॉर्म ऑफ लिडार। LIDAR की फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार सिस्टम में प्रिंसिपली एक तो लेजर होता है, लेजर लाइट, और एक स्कैनर प्लस एक GPS रिसीवर होता है इसमें इंक्लूडेड, एंड ये सिस्टम बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग मेथड है दैट यूजेज अ लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स लेजर। लेजर लाइट को यूज करते हैं या लाइट को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स लेजर टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ऑब्जेक्ट्स का जो वेरिएबल डिस्टेंस होता है अर्थ से, वो मेजर करने के लिए ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसको क्या कहते हैं, लिडार या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, एंड ये जो लिडार सिस्टम है या लाइट पल्सेस हैं, ये और दूसरे एयरबोर्न सिस्टम्स के साथ कंबाइंडली बहुत ही प्रिसाइज डेटा जनरेट करते हैं, एंड इट कैन बी यूज टू जनरेट थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं बिकॉज इट डिटेक्ट द शेप एंड सरफेस फीचर्स को डिटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लिडार सिस्टम अर्थ के बारे में, एंड ऑब्जेक्ट का वेरिएबल डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कह रहे हैं कि द यूज ऑफ लिडार इज रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज लिडार से नेचुरल एंड मैन मेड दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, दोनों में ही ये काम करता है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, नाउ कंसीडर सम मोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। अभी इस एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लेजिस्लेटर्स इन नो सर्कमस्टांसेस कैन चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज लेजिस्लेटर्स अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं एंड विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, सो दे कैन चेंज देयर पार्टी एनी टाइम। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोविजंस अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। कि लॉ ये अलाउ करता है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकती है, लेकिन 2/3 जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो इस मर्जर के फेवर में होने चाहिए।
ठीक है, तभी कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकती है। अगर उसके जो लेजिस्लेटर्स हैं 2/3 मेजोरिटी उसको मर्जर के फेवर में मिल जाए। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करने से पहले, इफ वीडियो इज हेल्पफुल टू यू प्लीज शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ कंसीडर द क्वेश्चन, FCRA से रिलेटेड है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो NGOs होते हैं उनको फॉरेन फंड से डोनेशन रिसीव करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर NGO या किसी भी एसोसिएशन के लिए टू रिसीव फॉरेन फंड्स और डोनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंसीडरिंग द फिलेंथ्रोपिक वर्क डन बाय मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC अ कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन सेटअप बाय मदर टेरेसा। ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है एक कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है विच वॉज सेटअप बाय नोबल लॉरिएट मदर टेरेसा, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द FCRA रजिस्ट्रेशन टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको रीन्यू करने से रिफ्यूज कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस देखी गई हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिफ्यूज टू रीन्यू द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ MOC। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट वाली ट्रू है। नाउ अगेन कंसीडर सम स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड एडवांस्ड इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो ये स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है, बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो हमें फ्रीडम ही ब्रिटिशर्स से बहुत मुश्किल से मिली थी। तो उस टाइम पे इंडिया की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो उतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1958 में इंडिया ने स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम बनाई थी फॉर द क्रिएशन ऑफ वेपन, जो कि जिसको आगे और एक्सपेंड किया गया लेटर ऑन एंड वॉज कॉल्ड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। फिर जिसको दिल्ली से लेटर ऑन 1962 में हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली टू हैदराबाद। और फिर 1972 में प्रोजेक्ट डेविल बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ये इसको इनिशिएट किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रोजेक्ट डेविल जो कि 1972 में इनिशिएट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली पोरोरा वायरस के बारे में, पार्वो वायरस के बारे में हम देख रहे हैं न्यूज में, जो कि एक कॉन्टेगियस वायरस है, ये मेनली किसको अफेक्ट करता है इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डॉग्स है। फर्स्ट, ये डॉग्स को अफेक्ट करता है वायरस, हाईली कॉन्टेगियस वायरस डिसीज है दैट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग इन पपीज एंड डॉग्स। ये हाईली कॉन्टेगियस वायरस है जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है विद एन इन्फेक्टेड डॉग। या कोई इनडायरेक्टली किसी कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से, इंक्लूडिंग द हैंड्स एंड क्लोदिंग ऑफ पीपल हु हैंडल इन्फेक्टेड डॉग्स। ठीक है, तो डॉग्स को मेनली ये अफेक्ट करता है पार्वो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो टेरिटरी है वहाँ इसमें तीन कैटेगरीज हैं टेरिटरीज की, एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरी यूनियन टेरिटरीज और थर्ड कैटेगरी है द टेरिटरीज दैट कैन बी
acquired by the government of India any time, ठीक है. और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम. तो हर एक यूनियन टेरिटरी जो है प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्टर करता है एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर. एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि प्रेसिडेंट का ही एजेंट होता है, प्रेसिडेंट के अंडर जो काम करता है, या प्रेसिडेंट किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है एंड हेड ऑफ स्टेट लाइक अ गवर्नर. तो प्रेसिडेंट का एजेंट तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन गवर्नर की तरह स्टेट का हेड नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड फर्स्ट वाली ट्रू है. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटोन थेरेपी. प्रोटोन थेरेपी क्या होता है? ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि प्रिसाइज रेडिएशन थेरेपी है, यूज टू किल कैंसर सेल्स. कैंसर के सेल्स को किल करने का ये काम करती है एंड इसमें हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को यूज किया जाता है. बीम ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स इज पास इन द बॉडी एंड कन्वेंशनली रेडिएशन थेरेपी इन्वॉल्व बीमिंग हाई एनर्जी फोटॉन्स. एक्सरे की तरह ही, जैसे एक्सरे की रेडिएशन होती है, प्रोटॉन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन एंड दस इज डिलीवर्ड पेनलेसली थ्रू द स्किन. स्किन के थ्रू ये बिल्कुल पेनलेसली ये थेरेपी काम करती है, इसमें कोई पेन नहीं होती एंड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज की जाती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सो इट इज ट्रू. एंड सेकेंड है, वंस प्रोटोन थेरेपी इज कंडक्टेड द पेशेंट हैज वेरी मिनिमल चांस ऑफ गेटिंग कैंसर फ्रॉम रेसिडुअल कैंसर सेल्स अगेन. तो कैंसर के सेल्स को ये थेरेपी किल करती है तो बहुत ही मिनिमल चांस रहते हैं इसको अगेन गेट करने के, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. फाइन, सो आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज. Best of luck.